नमस्कार, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। क्रिकेट में कुछ नियमों पर फिर से गौर करने की सख्त जरूरत है। ये ट्वीट भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 15 जुलाई 2019 के दिन किया था, यानी कि इस साल खेले गए विश्व कप फाइनल के ठीक अगले दिन। रोहित शर्मा यहां पर बाउंड्री काउंट नियम की बात कर रहे हैं। फाइनल में आईसीसी के इस नियम से इंग्लैंड चैंपियन बन गया, जिसके बाद क्रिकेट फैंस ने इसकी आलोचना भी की थी। लेकिन अब बात करते हैं आगे। 10 नवंबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया है। ये दोनों वही टीम हैं जिनके बीच विश्व कप फाइनल भी खेला गया था। लेकिन आज का दिन यानी 10 नवंबर को खेला गया फाइनल मैच बिल्कुल विश्व कप 2019 फाइनल जैसा मिलता जुलता दिख रहा है। हालांकि वो वनडे फॉर्मेट था और ये T20, लेकिन मजा बिल्कुल फैंस को वैसा ही आया। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, बारिश की वजह से उन्होंने निर्धारित 11 ओवरों में ताबड़तोड़ 146 रन ठोक दिए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम जीत के इरादे से उतरी, उन्होंने भी पूरे 11 ओवर में 146 रन ठोके और मैच टाई हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे विश्व कप फाइनल में हुआ था। दोनों टीम निर्धारित ओवरों के बाद बराबरी के स्कोर पर खड़ी थी। इसके बाद एक बार फिर से क्रिकेट जगत में फैंस को सुपर ओवर देखने को मिला। सुपर ओवर में इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी के लिए आया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा विश्व कप फाइनल में था। हालांकि इस सुपर ओवर में चीजें बदली हुई दिखी। इंग्लैंड ने इस बार इयान मॉर्गन और जॉनी बेरिस्टर को बल्लेबाजी के लिए भेजा, वहीं न्यूजीलैंड ने टिम साउदी को गेंद दी। दोनों ने धमाकेदार खेलते हुए 2 छक्के जड़े और न्यूजीलैंड के सामने 18 रन का लक्ष्य रखा। गेंदबाजी के लिए इंग्लैंड ने क्रिस जॉर्डन को गेंद थमाई, लेकिन न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में उस बल्लेबाज को ही उतारा जो विश्व कप सुपर ओवर में चूक गया था, यानी कि मार्टिन गुप्टिल। गुप्टिल और सीफर्ट खेलने आए। विश्व कप फाइनल के बाद आपको गुप्टिल की वो जमीन पर बैठी तस्वीर याद होगी, जिसमें वो निराश हताश बैठे थे। इस मैच में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें मौका मिला। 2 गेंद पर टीम को 11 रन चाहिए थे, लेकिन वो बड़ा शॉट मारने के बजाय 1 रन ही ले सके। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम फिर हार गई। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 8 रन बनाए, टीम 9 रनों से ये मैच हार बैठी। नए नियम के मुताबिक अगर न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में बराबरी का स्कोर कर पाती तो फिर से सुपर ओवर खेला जाता, और तब तक खेला जाता जब तक कोई एक टीम जीत ना जाए। इतना ही नहीं, इन दोनों ही मैचों में एक समानता और रही। दोनों ही मैचों में कमेंटेटर भी एक ही रहे, जहां विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और न्यूजीलैंड के स्टार इयान स्मिथ कमेंट्री कर रहे थे, इस मैच में भी ये दोनों ही कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे। आइए अब जान लेते हैं कि आईसीसी का नया बदला हुआ नियम क्या है, जिसके बाद ये मैच और भी दिलचस्प हो गया। आईसीसी के पिछले महीने हुई बैठक में बाउंड्री काउंट वाला विवादित नियम बदल दिया गया है, जिसके बाद अब अगर किसी भी T20 में सुपर ओवर में कोई मैच टाई होता है तो उसके लिए फिर से सुपर ओवर खेला जाएगा। तब तक टीमें खेलती रहेंगी जब तक कोई एक टीम जीत ना जाए। वहीं वनडे में आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में फाइनल और सेमीफाइनल में भी नियम लागू होगा, जबकि ग्रुप स्टेज में मैच टाई होने पर उसे टाई ही माना जाएगा। अगर ऐसा आईसीसी ने इस विश्व कप से पहले किया होता तो शायद इतनी किरकिरी नहीं होती। खैर छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए। आप देख रहे थे द लल्लनटॉप, और अगर आपने हमारे वीडियो YouTube पर देखा है तो इसे सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देखा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं विपिन और कैमरे के पीछे मेरे साथ है रूहानी।